हर चीज मेरे मुस्तफा से मोहब्बत करती नजर आती है। आओ सुनाओ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी से गुजर रहे हैं, अचानक आवाज आई आगे से, नी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाएं। सहाबा ने दाएं बाएं देखा, कोई नजर नहीं आया। अचानक मेरे आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह दरूदो सलाम कौन पढ़ रहा है? फरमाया, वो सामने जो हिरनी बंदी हुई है वो मुझ पर दरूद पढ़ रही है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हिरनी के करीब चले गए। हिरनी बंदी हुई थी, किसी यहूदी ने उसको कैद किया हुआ था। वो अर्ज कर रही थी, अगिसनी या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल मेरी मदद फरमाए। मेरे आका करीब चले गए। मेरे आका ने फरमाया, ए हिरनी तुझे क्या मामला है, तुझे क्या मसला है, किस वजह से मुझे पुकार रही है? हिरनी कहने लगी, या रसूल अल्लाह इसलिए पुकार रही हूं कि मुझे यहूदी ने कैद कर लिया है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं चाहती हूं आप मेरी मदद फरमाए, मुझे आप आजाद कर दें, मैं अपने बच्चों को दूध पिला कर वापस आ जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। आका ने फरमाया, क्या वादा करती है? वादा हज़रत की, या रसूल अल्लाह आपसे वादा करके कौन वादा खिलाफी कर सकता है? आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं वादा करती हूँ वापस आऊंगी। आका ने उसको आजाद किया। अब तवज्जो, आका ने आजाद किया, वो दौड़ती हुई जा रही है और थोड़ी देर गुजरी, वो यहूदी आ गया जिसकी हिरनी थी, जिसने कैद की हुई थी, जिसने शिकार की हुई। आका देख के कहने लगा, मेरी हिरनी कहाँ गई? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो हिरनी तो मैंने आजाद कर दी। गुस्से में आ गया, कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी यहूदी है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ये क्या कर दिया? मैंने इतनी मुश्किल से ये हिरनी शिकार की, कैद की, और आपने इसको आजाद कर दिया। आका मुस्कुराए, फरमाया, परेशान ना हो, मुझसे वादा करके गई है, वो वापस आ जाएगी। वो कहने लगा, कैसी बातें करते हैं, कभी शिकार भी वापस आया है, कभी शिकार भी वापस आया है? मेरा विज्ञान कहता है जवाब आया होगा, ए यहूदी बेशक बेशक आम शिकार वापस नहीं आता, लेकिन जो मुस्तफा के हुसन का शिकार हो वो वापस जरूर आया करता है, जरूर आएगी। थोड़ी देर गुजरी, हुजूर ने और उस यहूदी ने क्या देखा, वो हिरनी दौड़ती हुई आ रही है, साथ बच्चे भी आ रहे हैं। हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं आ गई हूँ, अब मुझे मसला नहीं है, बेशक मुझे कैद कर लें, वादा पूरा कर लिया मैंने। यहूदी को मेरे आका ने फरमाया, मैंने कहा था ना वादा करके गई है वापस आ जाएगी। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह, क्या कहा जी? पहले था ए मोहम्मद, जब दिल में इश्क पैदा हो गया, कहने लगा, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, मुझे कलमा पढ़ाएं, मुसलमान कर दें। ए यहूदी, तू यहूदी था, मुसलमान क्यों होना चाहता है? कहा, इसलिए मेरा दिल गवाही दे रहा है, जिसकी बातें जानवर भी मानते हैं वो अल्लाह का रसूल ही हो सकता है। हिरनी कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैं आ गई। तो यहूदी को मेरे आका ने फरमाया, तू क्या कहना चाहता है, अब क्या करना चाहता है? कहने लगा, अब करना क्या है, ये हिरनी मैंने आपको तोहफे के तौर पे दे दी है, हदिया कर दी है। तो आका ने फरमाया, अगर तूने मुझे हिरनी तोहफे में दे दी है तो मेरा ऐलान भी सुन ले, मैंने इस हिरनी को आजाद कर दिया है। हिरनी को मेरे आका ने आजाद किया, वो दौड़ती हुई जा रही है और गोया कह रही है, ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, ये नाज़ ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, जोली में अगर
टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। हिरनी भी हुजूर से मोहब्बत कर रही है और अलविदाया व नहाया और बाकी आप सीरत की किताबें पढ़ें, उनमें एक रवायत मौजूद है कि एक गदा हिमार दराज गोश गदा जानवर गदा आका अली सलातो सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। एक गदा सीरत की किताबों में तारीखी किताबों में यह रवायत मौजूद, एक गदा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में आया, आपकी बारगाह में आकर अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया बोल क्या कहना चाहता है। गदा बोल के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं गदों की उस नस्ल में से हूँ जिसमें जिस नस्ल के हर गदे पर कोई ना कोई नबी सवार होता रहा है, मैं भी उस नस्ल का गदा हूँ। मुझ पे एक यहूदी ने सवार होने की कोशिश की, मैंने उसको गिरा दिया, मैं गिरा कर बाग के आ गया कि कहीं कोई गैर नबी मुझ पे सवार ना हो जाए, इसलिए मैं आपकी बारगाह में आया हूँ या रसूल अल्लाह मेरी नस्ल खत्म हो गई, मैं अपनी नस्ल का आखिरी गदा हूँ और आप रसूलों में आखिरी रसूल हैं। आप रसूलों में चार टंगा आला, चार टंगा आला, उसने पता लग गया है कि हुजूर तो बाद कोई नबी नहीं है जी, चार टंगा आला उसने पता लग गया कि हुजूर तो बाद नबी कोई नहीं, दो टंगा आला जी भी नहीं समझे, दो टंगा आला खोता कादियानी है जी, इनको तो काफिर कानून में है ना, काफिर हैं और ये जनाब मुर्तद हैं, कलमा पढ़ के हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार जो करे वो तो मुर्तद है, उसका काफिर से भी बदतर सजा है। तो गदे को पता है कि हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। अच्छा आप मुझे बताएं, गदा बोल रहा है किसी और को समझ नहीं आई, हुजूर उसकी बोली समझ रहे हैं, ये भी पता लग गया कि हुजूर हर बोली समझने वाले, हर गैब की खबर यही है ना कि जानवरों की बोली भी हुजूर समझते थे। सोने देने सब दी बोली कौन मेरा रसूल, बैठे ने विच मदीने, सोने देने सब दी बोली बैठे ने बिच मदीने, सुने देने सब दी बोली, मंगदा जो आप कोलो पर देने आप जोली, दर दर ते ओ न जावे सोने ता जो गदाए, सोना मदीने वाला दुखिया ता आसराए, आवाज आए सोना मदीने वाला दुखिया, वो गदा मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला आका की बारगाह में अर्ज करता या रसूल अल्लाह आप नबियों में आखिरी, मैं अपनी नस्ल का आखिरी गदा हूँ, मैं चाहता हूँ आप मुझ पे सवार हो जाएं ताकि मुझे भी ये शर्फ मिल जाए कि मुझ पर भी कोई नबी सवार हुआ है। मेरे आका ने सवारी के लिए कबूल फरमाया, आका ने फरमाया तेरा नाम भी मैं रख लेता हूँ। आका ने अपने गुलाम, क्योंकि गदा भी हुजूर का गुलाम बन गया, गुलामी में हुजूर ने कबूल फरमाया, मेरे आका ने फरमाया आज से तेरा नाम याफूर है, आका ने गदे का नाम याफूर रख दिया। सहाबा फरमाते हैं उसके बाद जब भी मेरे आका पुकारते मेरे आका फरमाते याफूर, याफूर कहने की देर होती वो गदा नबी की बारगाह में आ जाता, नबी की बारगाह में आ जाता और अर्ज करता या रसूल अल्लाह हुक्म फरमाए, मेरे आका फरमाते ए याफूर चला जा मेरे अबू बकर सिद्दीक को बुला ला, मेरे सिद्दीक को बुला ला,
गदा जाता सिद्दीक के दरवाजे पे मुंह मारता, दस्तक देने की कोशिश करता। अबू बकर बाहर निकलते, देखते कि याफूर आ गया है, समझ जाते कि आका ने बुलाया है। मैंने कहा पता लगा गदे को भी पता है नबी का यार अबू बकर सिद्दीक है। गदे नु ए भी पता है कि जनाब नबी दा यार कौन है। आका अली सलातो सलाम जिसका हुक्म देते गदा बुला कर ले आता। सहाबा फरमाते हैं उसके बाद जब हुजूर अली सलातो सलाम का विसाल हो गया, गदा हुजूर को तलाश कर रहा है कि हुजूर किधर गए। मदीने की गलियों में हुजूर को तलाश कर रहा है कि हुजूर कहाँ गए, हुजूर नजर नहीं आ रहे। अचानक जब उसे पता लगा कि हुजूर का विसाल हो गया, सहाबा फरमाते हैं वो यूं ही परेशान हाल घूमता फिरता फिरता एक कुएं के करीब चला गया और उसने कुएं में छलांग मार कर अपने आप को हलाक कर दिया। गोया कह रहा हो जहां सोना नजर ना आए वहां रह कर क्या करना है। ये है मोहब्बत जानवरों की, ये मोहब्बत बेजान चीजों की मोहब्बत आप सुन रहे हैं जानवरों की। और एक ऊंट की बात सुना, एक सहाबी नबी की बारगाह में आयो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हमारा एक ऊंट है जो बावला हो चुका है, जो पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है, जो करीब आता है उसको मारता है, हमें डर है कि कहीं किसी की जान ना ले। सहाबी नबी की बारगाह में आए अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह हमारा ऊंट बावला हो गया, पागल हो गया है, जो भी उसके करीब जाता है उसको मारता है, हमें अंदेशा है लोगों की जान ना ले ले। या रसूल अल्लाह कुछ कर्म फरमाएं। मेरे आका ने फरमाया मुझे ले चलो, वो ऊंट कहाँ है। आका अली सलातो सलाम चले गए, मेरे आका को लेकर गए। जब मेरे आका वहां पहुंचे, मेरे आका ने फरमाया ऊंट कहाँ है। एक हुजरा एक कमरा बना हुआ था, कहने लगे या रसूल अल्लाह इस कमरे में ऊंट मौजूद है। मेरे आका करीब गए, कमरे के अंदर दाखिल होने लगे। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये ऊंट आपको तकलीफ पहुंचा देगा। मेरे आका ने फरमाया कुछ भी नहीं होगा। आका ऊंट के करीब गए, सहाबा देखकर हैरान रह गए। ऊंट ने मुस्तफा को देखा, वो ऊंट जो पागल था, जो बावला हो चुका था, उसने मुस्तफा को देखकर सजदा करना शुरू कर दिया। हुजूर की बारगाह में सजदा, गोया कह रहा हो पागल जरूर हूं, वैसे पागल नहीं हुआ, हुजूर के इश्क में पागल हो गया, हुजूर की मोहब्बत में पागल हो गया, हुजूर के प्यार में पागल हो गया हूं। तो अब वो पागलपन खत्म हो गया, हुजूर आ गए हैं, हुजूर के कदमों में सजदा किया, सर सजदे में रखा। जब सहाबा ने देखा कि ऊंट सजदा कर रहा है, अर्ज की या रसूल अल्लाह हमारा ज्यादा हक है कि हम आपको सजदा करें। आका ने फरमाया अल्लाह के सिवा अगर किसी को सजदा जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता अपने घर वाले को सजदा करे। अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज होता तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी को सजदा जायज नहीं है। इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे जो पढ़े लिखे हैं हजरात वो तो ये काम नहीं करते, लेकिन जिनको इल्म नहीं होता वो मजारों पे जानते हैं, मजारों पे जाना चाहिए, आप सब कुछ करें लेकिन सजदा ना करें। इबादत की नीयत से कोई भी सजदा नहीं करता, मुझे पता है कोई भी मुसलमान इबादत की नीयत से सजदा नहीं करता, लेकिन कुछ लोग अदब की वजह से ना, ताजीम की वजह से, प्यार मोहब्बत की वजह से झुक जाते हैं, ये भी हराम है। इबादत की नियत से सजदा करना अल्लाह के सिवा कुफर है, बंदा काफिर हो जाएगा। और अगर ताजीम और मोहब्बत और एहतराम की नियत से करेंगे तो ये गुनाहे कबीरा है। लिहाजा अगर आपने वलियों की बारगाह में जाना है तो आला हजरत फतावा रिजविया में आपने वाजे तौर पे लिख दिया, आपने फरमाया अगर अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हो, हम बरेलवियों के इमाम इमाम आला हजरत, आपने फरमाया जब वली की बारगाह में जाओ कहो अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह,
ए अल्लाह के वली तुझ पर सलाम हो, और फिर जाकर उसकी बारगाह में अदब से खड़े हो जाओ, दुआ करके आ जाओ, उसके मजार को कबर को हाथ भी नहीं लगाना, ये भी बेअदबी कहलाएगी। ये तरीका सिखाया है हमें आला हज़रत। जब भी मजारात पे जाएं तो ये मसला ज़हन में रखना कि सजदा सिर्फ अल्लाह को है, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं है। हमारा मसला इसलिए बदनाम होता है, सानू लोग कहने जी मुशरिक है, हालांकि मुशरिक कोई भी नहीं है, सारे मुस्तफा के गुलाम हैं, मुसलमान हैं, लेकिन इस अमल की वजह से फितना बनता है। हमें वो अमल करना ही नहीं चाहिए जो बेअदबी कहलाए, जिसकी वजह से एक फितना बने, जिसकी वजह से एक शक में लोग मुबतला हो जाएं। आप अल्लाह के वली की बारगाह में जाएं, उनका वसीला देने वाला अल्लाह है। देने वाला कौन है? अल्लाह है। मांगना है तो अल्लाह से मांगना है, लेकिन हाँ वलियों की बारगाह में जाकर हम वसीला पेश करते हैं कि या अल्लाह तेरे इस प्यारे के सदके हम दुआ कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, इसके सदके हमारी दुआ को कबूल फरमा। हम वसीले से दुआ करते हैं, तो ये अकीदा होना चाहिए। इसलिए दुआ जब भी करें अल्लाह के महबूब बंदों के वसीले से दुआ करें, और अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अपने प्यारे बंदों का जब अल्लाह ताला वसीला अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है, तो अल्लाह उन अपने प्यारों का सदका अता भी फरमाता है।